दोस्तों, दुनिया में बहुत रहस्यमय घटनाएं होती है जो लोगों को चौंका कर रख देती है। आपने कमेंट्स में की हुई भारी डिमांड की वजह से हम आपके लिए लेकर आए हैं हॉरर सीरीज का एक और वीडियो जो सबसे हटकर है और जिन्हें देखकर आप भी एक बार सोचने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखे। अगला वीडियो एक आदमी ने अपने फोन से रिकॉर्ड किया है जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई तूफान आने वाला है। तेज हवाएं चल रही है और काफी लोग घर से बाहर आ चुके हैं और आसमान की तरफ देख रहे हैं, जहां अजीब सी रोशनी चमक रही है जो एक बिजली की चमक से काफी अलग है। ये लाइट बादलों के पीछे से कुछ देर के लिए दिखाई देती है, लेकिन ये रोशनी किस चीज से आ रही है ये पता नहीं चल सका। उस समय बहुत लोगों ने यह नजारा देखा, लेकिन बारिश के मौसम में जैसी लाइटनिंग होती है ये बिल्कुल वैसा नहीं था, इसलिए लोग काफी कंफ्यूज लग रहे थे। आपको क्या लगता है आखिर ये लाइट किस चीज की होगी, हमें कमेंट करके जरूर बताना। कहानियों और मूवीज में आपने देखा होगा और सुना होगा कि कोई भूत किसी का भी रूप धारण कर लेता है, जो मूवीज में देखने और कहानियों में सुनने में काफी रोमांचक लगता है, लेकिन ऐसा असल जिंदगी में मुमकिन है या नहीं ये बता नहीं सकते। लेकिन इस अगले वीडियो ने लोगों को इस बात पर यकीन करने के लिए मजबूर कर दिया। एक ड्राइववे पर लगे सीसीटीवी फुटेज में एक काली बिल्ली जाते हुई दिखाई दे रही है। थोड़ी सी आगे चलने के बाद वो बिल्ली कहीं गायब हो गई, जबकि वो पहले इसमें रिकॉर्ड हो गई थी। इसे कुछ लोग एडिटिंग और कैमरा ग्लिच भी बताते हैं, लेकिन इस वीडियो को कई बार देखने के बाद भी इसका कोई दावा नहीं किया जा सकता। एलियंस के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं होता, उसी तरह कुछ लोग मानते हैं कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं है। साइंस अभी तक इनके होने का प्रमाण नहीं दे पाया है, लेकिन कई ऐसे फैक्ट और ऐसी वीडियोज है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि एलियंस भी होते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या एलियंस सच में होते हैं या फिर नहीं। एंड्रे एक एस्ट्रोनॉमी एक्सपर्ट है जो करीब 20 साल से स्पेस और उसके बारे में रिसर्च करते हैं। ये वीडियो उन्हीं के एक टेलीस्कोप में रिकॉर्ड हुई थी जिसमें वो चांद पर फुल मून की रात पर फोकस कर रहे थे, जिसमें काफी हद तक चांद की सतह नजर आ रही थी, लेकिन उसमें कुछ समय बाद ही तीन डॉट जैसी चीज चांद के आगे से निकलती हुई देखी जा सकती है। एंड्रे का कहना है कि उसने पहले भी ऐसी अजीब चीजों को चांद पर देखा है, लेकिन इस पर वो तीन से ज्यादा थे। इन यूएफओस के बाद वहां और 10 से भी ज्यादा यूएफओ देखे जा सकते हैं। इसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि शायद हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं है और ऐसी कई चीजें हैं जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है। अब जो वीडियो आप देखने वाले हैं वो आपको चौंका कर रख देगा, जिसमें एक टूरिस्ट ग्रुप ने अपनी बोट राइड के दौरान कुछ अजीब सा होते हुए देखा। उन्होंने एक पानी के किनारे पत्थरों के पास अजीब से आधे इंसानों की तरह दिखने वाले कुछ लोगों को बैठे म्यूजिक बजाते हुए देखा। वीडियो रिकॉर्ड करने वाले का कहना है कि वो ज्यादा नजदीक नहीं गए, लेकिन तकरीबन 30 मिनट तक वो म्यूजिक बजा रहे थे। ऐसे जीव किसी ने भी पहले नहीं देखे थे, जैसे ये किसी और दुनिया के जीव हो। लेकिन बाद में पता चला कि ये परफॉर्मेंस एक टोरी नामक आर्टिस्ट ने टूरिस्ट के लिए ऑर्गेनाइज किया था, और ऐसे अजीब से दिखने वाले जीव असल में इंसान थे जो कि कॉस्ट्यूम में थे, जिन्होंने पहली नजर में सबको चौंका कर रख दिया। सऊदी में काफी जगह है जो भूतिया होने की वजह से काफी मशहूर थी। ये देखने के लिए ये आदमी उस जगह रात को रिकॉर्डिंग करने गया। जब वो उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि सामने के एक पत्थर के पीछे से कोई उसे देख रहा है। ये देखकर उसने अपनी गाड़ी की लाइट हाई कर दी, जिसके बाद वो अजीब से जीव पत्थर के पीछे छुप गए। फिर वो गाड़ी से उतर गया और दूसरी तरफ देखा तो उसी तरह की कई और आंखें अंधेरे में उसकी तरफ देख रही थी। वह आदमी बिना डरे वही खड़ा रहा और रिकॉर्ड करने लगा, और फिर कैमरा नीचे एक पत्थर की तरफ किया जो अपने आप चल रहा था। उसके बाद जब उसने कैमरा ऊपर किया तो उसके बिल्कुल सामने कोई खड़ा उसे घूर रहा था, जिसे देखते ही वो आदमी वहां खड़ा रह गया और बिना हिले उसे घूरता रहा। उसने भी ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। अगर सच में ऐसा कुछ है तो वहां खड़े रहने में कोई अकलमंदी नहीं है। और फिर वो आदमी वहां से निकल गया। इस वीडियो को देखकर एक सवाल जरूर उठता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है या फिर ये भी किसी ने एडिटिंग से किया होगा। अगला वीडियो एक फैक्ट्री का है जहां एक कर्मचारी अपना कुछ काम कर रहा है और उसके अलावा इस कमरे में और कोई भी नहीं था। तभी अचानक पास में रखे टेबल के ऊपर से एक ग्लास अपने आप नीचे गिर जाता है
और उसमें रखी चीज जमीन पर फैल जाती है। उस कर्मचारी को यह समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। वो जाकर अपने मैनेजर को यह बताने के लिए बुलाता है कि ऐसा कुछ हुआ है और इसमें उसका कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन वो मैनेजर उसकी बात को नजरअंदाज करता है और उससे वो जगह साफ करने को कहता है और वहां से चला जाता है। वो कर्मचारी अपने मैनेजर की बात मानते हुए एक मॉप से वो जगह साफ करने लगता है और तभी उसी टेबल पर रखा दूसरा ग्लास भी अपनी जगह से अपने आप हिलता है, जिसे वो कर्मचारी वापस उसकी जगह रख देता है। पहला ग्लास कैसे गिरा और दूसरे ग्लास के ऐसे हिलने का कोई कारण इस वीडियो में न दिखाई देता है और ना ही कोई इसे समझ सकता है। ये फुटेज एक घर के सामने लगे सीसीटीवी की है जो सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था, जिसमें ऐसा कुछ रिकॉर्ड हुआ जो लोगों के समझ के परे था। रोज की तरह ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था और अचानक से कैमरा में कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसकी वजह से आपको भी आधी स्क्रीन ग्रीन नजर आ रही होगी, जिसके बाद उस घर के गैराज में एक गाड़ी जाती है और अभी भी फुटेज पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन कुछ देर बाद ये फुटेज कुछ सेकंड्स के लिए क्लियर होती है, जिसमें पीछे एक काला कोट पहने हुए अजीब सा आदमी हमें दिखाई देता है, लेकिन जिसका सर बहुत छोटा नजर आता है। शायद उसने कोई मास्क पहना हुआ है। ये क्या था किसी को नहीं पता, लेकिन इसी वजह से ये फुटेज काफी वायरल हुई। इस आदमी के मास्क को अच्छे से देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये कोई गैस मास्क हो, लेकिन रास्ते पर कोई इंसान ऐसा मास्क पहनकर क्यों घूमेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको इसमें से कौन सी क्लिप सबसे ज्यादा मिस्टीरियस लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।